आज तारीख 31 अक्टूबर 2024 और समय हो गया है 08:31 PM। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, दिमाग किसने नहीं लगाया, किसने नहीं लगाया दिमाग, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। सबने लगाया, यहां तक कि हाइड्रो न्यूक्लियर बॉम्ब टसार के नंबर तक दिए भारत सरकार में, और भारत की जनता के लिए ये पहली बार ऐसा है कि ये ऐसा कुछ सामने निकल के आ रहा है और मीडिया में सरेआम। मतलब भारत में इलेक्शन तक किस तरह से इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, ये करप्शन नहीं तो क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं है? हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा है और 1.23 सऊदी अरेबिया से लाया गया टसार बम का नंबर दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करा रहा है, नरेंद्र मोदी करवा रहा है। मैंने तो बोल दिया, जब बिगाड़ ले जो बिगाड़ना, जो मर्जी कर ले, क्या ये प्रजातंत्र की हत्या है? तो जब हितेश ये बात बोलता है तो सबको बुरी लगती है, क्योंकि मामला इतना बड़ा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुंह का थूक सूख गया है। क्या अमिताभ बच्चन, क्या अमिताभ बच्चन जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड किस तरीके से ले रहा है, मैंने नहीं बताया तो किसने बताया? भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, क्या मैंने नहीं बताया? मैंने बताया ना द्रौपदी मुर्मू के बारे में, भाई तेरा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा, तू समझ में तो भारत का नागरिक हो, तू मुझसे कुछ भी कर ले मेरी नागरिकता नहीं छीन सकता, ये बात मैंने कही। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आज से थोड़ी चल रहा है मामला, कंटिन्यूअसली 2020 से, 2020 पूरा गया, 21 पूरा गया, 22 पूरा गया, 23 पूरा गया, 24 खत्म होने वाला है। भाई साहब 5 बार लगातार वीडियोज आ रही है, मामला पहली वीडियो में भारत पाकिस्तान को लेके बात करने से शुरू हुआ, और किस प्रकार से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आग लग गई, मतलब तो मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा सुनोगे तो फिर ढंग से ही सुनो, मेरे से डरता हूं ना तुमसे, ये छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, मारपीट गुंडागर्दी लौंडेबाजी 10 लड़के बुला ले, ये सब छोड़, ये छोड़ दे ये सब। हितेश ने ये कभी किया ही नहीं, हितेश जब भी आएगा अकेला आएगा, तू 50 बुला ले, जहां मर्जी बोल दे मैं आ रहा हूं। हितेश नहीं करता फोन, कालू नीलू पीलू शेरू आ जाओ, हितेश नहीं करता, क्योंकि एक बार मैं देख चुका हूं। बात यह है, दिन रात हाइड्रो न्यूक्लियर बम के नंबर दे दे के और पाकिस्तान से किस प्रकार भारत में हाइड्रो न्यूक्लियर बम के नंबर सट्टे के तौर पे लाए जा रहे हैं। मैंने बताया कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की घड़ी एक हाइड्रो न्यूक्लियर बम का नंबर है, और यह कंपनी और कहीं की नहीं, पाकिस्तान की है। और किस प्रकार डीपी यादव अंडरवर्ल्ड माफिया, और एक बंदा जिसको ढूंढ रहे हो फरहान को, दो बंदों की घड़ी चल रही है इंडिया में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की घड़ी हाइड्रो बम का नंबर, मैं कहना चाहता हूं आपके पास आया कहां से, क्या इसरो ने दिया? नहीं, जानने और सुनने समझने वाली बात है कि किस प्रकार भारत के वैज्ञानिकों को प्रेशराइज किया जा रहा है, और करने वाले ये वही है, वही है ये वही महामानव समझ रहा है ना अपने आप को लाल किले पे से,
1.23 सऊदी अरेबिया का नंबर लेके आया। तो बेटा इनकी तो सिक्योरिटी वालों का भी मुंह का थूक सूख गया ना। इन्होंने सोचा कि हितेश तो है अंगूठा छाप, चेप दे 1.23। हितेश ने लिखा अपने जूते पे एक नंबर 1.22, पते बड़ाबड़ नरेंद्र मोदी के ही दिए लिए ऐसे चिपकाते हैं बेटा नंबर। भारत सरकार का प्रधानमंत्री होगा तू अपने घर का, मैं नहीं समझता तुझे कुछ भी, कोई हाइड्रोन आ तो मेरे से खेल। अबे जिस एक नंबर के लिए तुम भिखारियों की तरह पता नहीं कहां कहां अपनी बहन बेटियां सप्लाई करके नंबर उठा के लाते हो। हितेश तो यहां बैठे बैठे एक घंटे में ना 100 नंबर बना के बैठ जाता है। एक नंबर बनाया मैंने 1.22 फ्यूल्स ओटीपी टसार, क्वांटिटी पता है कितनी निकल गई उसमें, 4000 क्वांटिटी है बे। ले इंटरपोल को भेज दिया, आईसीजे आईसीजे को, नासा को, इसरो, डीआरडीओ नंबर काटी हो अगर गलत हो तो। ये हो गए हालत खराब है ना, फटके हाथ में आ गई। बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो से मुझे टसार बम के दम नंबर की धमकी दी गई तो भाई ये बकचोदी नहीं है तो और क्या है। मैंने आज क्या करा, मैंने अपने एक रीमिक्स गाना बनाया डबल प्लेट और उसको बड़े प्यार से ऑल इंडिया रेडियो, आईसीजे और ऑल इंडिया बकचोद को टैग कर दिया, रिस्पेक्टेड आईसीजे, ऑल इंडिया रेडियो और ऑल इंडिया बकचोद, क्योंकि तुम सब बकचोदी ही तो कर रहे हो और कर क्या रहे हो, तो तुम सब उन्हीं में से हो, चाहे तुम आईसीजे हो चाहे इंटरपोल हो, तुम सब बकचोदी कर रहे हो और क्या कर रहे हो। ऑल इंडिया रेडियो वाले बकचोदी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं भाई। ये शो मैंने मेरा बनाया हुआ नहीं है, भारत में तुमने बनाया, टीवी पे आ रहा था, तो हितेश की वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो मैंने आज दिखा दिए सबको, इनकी औकात दिखा दी मैंने भाई। तुम ऑल इंडिया बकचोद के स्टेज से ज्यादा कुछ नहीं हो, आईसीजे हो तुम हैं, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट बात एक ही है, जज हो तुम बकचोद ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। पूछो कैसे, ईरान से आया हुआ चंद्र, वो क्या नाम है, चंद्रचूड़, वो यहाँ का यार आईसीजे बना दिया, बारादारी का आया हुआ जो वो सीपी बना दिया, और हम यहाँ चूतिया हैं, हम तो चूतिया लग रहे ना यहाँ पे, हम तो कुछ पता नहीं है क्यों। अब कहते ना गांड लगी फटने, खैरात लगी बटने, अब माचुदी ना बहन के लड़ोगी सबकी, वरना तो भारत में ये दिल्ली जल बोर्ड वाले 48 48 अपनी माँ की चूह में, और बहन के लौड़ों ने क्या करा, हाइड्रो न्यूक्लियर का नंबर दे रहे हैं, मतलब पब्लिक चूतिया है। माँ की चूत में जाओ ना बहन के लौड़ो, अब दी गाली मैंने बहनों को, ऑल ओवर वर्ल्ड को गाली दी मैंने, दी आईसीजे को गाली अपनी स्टाइल में, ऑल इंडिया बकचोद बहन के लौड़ो हो, जज बना बैठा तू आईसीजे माधर चौधरी के, आतंकवादियों के पास हाइड्रो न्यूक्लियर बम का नंबर है बहन चोद, चूतियापंती कर रहा हूँ क्या मैं बहन के लड़े वीडियो में, भोसड़ी का सुनता नहीं है क्या, बहन के लौड़े सऊदी अरेबिया से 1.23 गया माधर चौधरी के, भारत के साइंटिस्टों के ऊपर प्रेशराइज करके बहन के लड़ो, वहां का बहन चुदाने जाएंगे पाकिस्तानी माधर चोद, चूतिया समझ रहा है, चूतिया समझ रहा है। अब ये बात कह दी तो हितेश गलत बोल रहा है, हितेश बहुत गलत है, बहन के लौड़ा जैसे मोहम्मद का आतंकवादी है तेरी माँ की चूत, भारत के मुसलमान नहीं, पाकिस्तान के मुसलमान अलग है, भारत के अलग है बहन चोद, चूतिए के पट्टे, माँ के लौड़े, भारत की जमात अलग है पाकिस्तान की जमात अलग है, मुसलमानों में जमात का जमात की तो लड़ाई है, बहन के लौड़े वहां की जमात यहाँ का मिला रहा है, चूतिए के पट्टे
हमें तो इस्लाम की नॉलेज है नहीं ना, तो भयंकर गांडू हैं क्यों? दे बहन के लोड़े नंगे मादर चोद एनएसजी वाले, इनकी बहन चोद दिया आज मैंने बेटा 302 आर्टिकल बहन के लोड़े हाइड्रो न्यूक्लियर नंबर है, हटा कर दिखाइए और नहीं तो निकल बहन के लड़, मेरी टांग के नीचे से मादर चोद, पूरी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स निकाल दी आज बहन की लोड़ी अपनी टांग के नीचे से मैंने, पूरी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स और पूरी जुडिशरी और ये बहन के लड़े जितने बड़े 30 मार खा बंद, निकल बहन के लड़े मेरी टांग के नीचे से मादर चोद साले हरामी, बहन कड़े चूतिया समझ रहा है, हैं? इंटरनेट बंद कर दे, ये बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, बहन के लवड़े पूरे देश को बहन के लड़े तेरी माँ के चूत, तू तेरी तेरे ठरकी पने के चक्कर में पूरे देश की माँ चुदवा दे, मेरे कोई नहीं बोलेगा बहन के लड़े, क्योंकि हाथ में बंदूक है तेरे, तेरी माँ ना चुदवा दू बहन के लड़े बॉर्डर पर लिटवा के, तो ये असलियत है। निकाल दिया आज मैंने मोदी की बहन की लड़ी पूरी सिक्योरिटी फोर्स अपनी टांग के नीचे से, जिस मादर चौधरी की गण में दमो बहन की लड़िया 302 का दिखा दे, आयत है आयत बहन के लौड़ा थाने में आयत भेज दी। मैंने कल ने बात करी रात को ये उरेना पुलिस स्टेशन के एसएचओ से बात करी, मैं क्या हाल है SHO साहब नमस्ते कौन, मगर ये तेज बात करूँ ट्विटर, अच्छा क्या हाल चाल है, ठीक है साहब मैं बस सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है मैं कहा सुना कोई मामला हो गया वहाँ पे, कुछ है ऐसा कुछ है करा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वैसे ही, मैंने कहा एक हमारे मित्र हैं दिल्ली पुलिस में, मैं जा रहा था, उन्होंने ना टोक भेजी मेरी तरफ, पता कैसे करे उरेना, मैं कहा उरेना, मैंने कहा अच्छा उरेना बुला रहे हैं ये, मैं कहा चलो, मैंने कहा उधर जाने के बजाय मैं उरेना ही चला गया, मैं कहा सोचो साहब वो कह रहे थे बीट कॉन्स्टेबल है उरेना, और मैं कहा उरेना में आना है आ रहा हूँ, मैं कहा पहले पूछ लूँ आपसे, कह रहे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं पूछ लेता हूँ, मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं क्या पता यहाँ से अरेस्ट बनाने के बजाय, कह रहा वहां से बनाओ क्योंकि ज्यादा तेज दिमागदार आदमी है ना, करे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब फोन कर ही दिया तो कुछ खर्चा भी बताई दो, करे यार खर्चा क्या बताएं, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस वेलफेयर में पैसा जाता रहता है, कह रहे भेज दियो, मैं कहा जिस दिन कमाऊंगा भेज दूंगा, मैं थाने वाले तो यही कह रहे थे कमाता ही नहीं है, मैंने कहा पूछ लिया पहले ही, मैं पहले देख लूँ ना खर्चा बना लेता हूँ कितना खर्चा है, खर्चा बना लेता हूँ ना, मैं जाता हूँ मैं पूछ लेता हूँ सबसे पूछ लेता हूँ, मैं कहा पैसे वैसे की जरूरत हो तो कुछ बता देना वेलफेयर के लिए, कह रहे हैं आप बता देंगे, थाने वाले तो यही कह रहे कमाता नहीं है ना, अच्छा जी तो ये बात हुई, हमारे भी जानकार हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बहन के लौड़ो ऑल इंडिया बकचोद सीरियल तुमने बनाया तो मेरी क्या गलती है, मैंने आज क्या करा, रिस्पेक्टेड आईजे ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया बकचोद SOS कर दिया, मैं कहा तुम इसी कैटेगरी में हो, मेरा दोष नहीं है, या तो ये ऑल इंडिया बकचोद वाले ICJ की कैटेगरी में या तुम इनकी कैटेगरी में हो, या तो ये तुम्हारे जैसे हैं या तुम इनके जैसे हो, क्योंकि भोसड़ी वालों जब मैं कह रहा हूँ बहन के लौड़े मार तो मार, बहन के लड़ू बोल क्या रहा है, इसकी माँ के चूत मोदी बहन के लड़े ब्रेन वॉइस क्या दे रहा है, तो सुनता नहीं है क्या है, हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी कहां से लेके आया नंबर, बहन के लौड़े को दिखा रहे हैं कि गुजरात में 4,900 करोड़ का उद्घाटन कर रहा है, कह रहा मैं रिटायरमेंट तब लूंगा जब गुजरात में ये 4,900 करोड़ के पहुंच जाएगा, मैंने कहा बहन के लौड़े हम चूतिया लग रहे हैं यहाँ पे हैं, हम पागल लग रहे हैं, कल पूरे पाकिस्तान में
पूरे पाकिस्तान में एक बात का हड़कंप मचा हुआ करे यार, भेड़ के लड़के हमारी कॉल कौन हैक कर रहा है। मैंने करी। असीम मुनीर को अंजुम ने पता क्या बोला? यूं कह रहा है आप आगे, बहन के तेरी माँ चुदवा दूंगा भोसड़ी के अगर वॉर हार गया तो। असीम मुनीर को कह रहा अंजुम, मैं पता कॉल चल रही है, मैं बीच पता क्या बोल रहा हूँ। अबे मैंने कहा मुनीर साहब है गाली तो मत दे यार अंजुम। कह रहा कौन बोल रहा है बीच में। कुछ काम मैं भी करना जानता हूं। तो ये बहन के लौड़े भोसड़ी के, तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती, पाकिस्तान पसंद नहीं है। नहीं, मुसलमान होना एक अलग बात है, पाकिस्तानी होना एक अलग बात है। मैं तो पाकिस्तान के हिंदू को भी पाकिस्तानी कह दूं, माँ चुदा ना अपनी बहन के लौड़ा, हमें क्या लेना देना। उधर की तो श्री रामचरित मानस भी अलग है, उधर श्री राम अलग है, इधर क्या साफ सीधी बात है। हम तो सीधा कहते हैं सबक है ना, सुखी रहना। नहीं पसंद है ना पाकिस्तान। मैंने कह रहा बहन के लंडो को, मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ 302 आर्टिकल जो है ना आईपीसी में, बेटा मैंने हाइड्रो न्यूक्लियर कर दिया, पंगे लेके देखिए चाय पीजिए। ये एक से एक है सब, ये ना चाय का कप जो है मेरे किराएदार थी पहले, उसने उसने गिफ्ट किया था। अब पता क्या बोलती है वो सबको, हाँ कहती है ये चाय का कप जो है ना इसकी वीडियो में, ये मैंने दिया था, वीडियो का पैसा मेरा और मैं चूतिया हूं ना, इतनी बकवादी कर रहा हूँ। पागल पागल हो गए तुम लोग, गेट बंद कर दियो बेटा। क्यों? तो ये जो नंबर की झड़ी लगी पड़ी है, अब ये कह रहे हैं पता क्या कहते हैं भोसड़ी के, दो कौड़ी की औकात नहीं इस भैंड के लौड़े की, क्या नाम है, अरे मैं नाम बता सकता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में ही है भैंड के लौड़ा, नाना पाटेकर। कर हम जाएंगे इसके यहाँ और कॉपी चेक करेंगे, हाइड्रो न्यूक्लियर का नंबर कैसे बना था, चूतिया आएगा तू, चूतिया वूती आएगा। तो फिल्म में क्या माच उतार है भैंड के लौड़े, तो हाइड्रो न्यूक्लियर का नंबर ही बना लेता ना, फिल्म में क्यों गया। अमिताभ बच्चन कह रहा है इसकी कॉपी यहां लेके आओ। तो बहन के लंडन तू पूरी दुनिया में ना पहला फिल्म ऐसा फिल्म एक्टर होगा जो बहन के लंडन जब मरेगा ना, मरने से पहले इतनी गालियां खा चुका हो। कि तेरी 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 लाश भी रोएगी। इसकी लाश भी रो रही है, उसके भी आंसू निकल रहे जो इतनी गालियां नहीं। बहन के लंडन तुम चूतिया हो, मेरी बात मानो। और जो चूतिया बस्टर मैंने बनाया है ना, हाँ 03.03, ये तुम पे भी लागू होता है। निकाल दी इनकी बहन की छूत, मोदी की सिक्योरिटी बोर्ड टांग के नीचे से निकाल दी आप 302 पीजी लोड़ा ऐसे बनते जहां तक नीचे का जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें से आग निकलती है, जिसमें से आग निकलती है ना, भोसड़ी चोर। अब पता क्या कह रहे, इतने पढ़ता कैसे। तो पागल हो बहन के लंडो, जो काम तुम कर रहे हो वही करते रहो ना, इस पढ़ कैसे करे। पीसीआर मतलब जानता है क्या होता है? पॉलिश होता है, पुश कंट्रोल होता है, बहर कंट्रोल, वरना पीसीआर नहीं चलती नहीं। PCR नंबर चटा ये मार देंगे लोग, ठीक है PCR में रोक ना देने 10 हेल्पलाइन नंबर 017 भी बना दिया, 10 भी बना दिया, और सब सुपर हाइड्रोन्यूक्लियस हैं, हार गई है। अब NSE के पता क्या कहते हैं मेरे से, कहते हैं
तू जिंदगी भर ना एनएसजी की वर्दी के लिए तरस जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहन के लंडों में तुम्हारे ना जन्म को थकवा दूंगा मैं, वो आदमी हूँ स्वाद अपनी माँ चुदा जा। 302 मेगा टन स्वाट, ठीक है, हाइड्रोजन हो ना, उठा कर दिखा दियो। तू झंडा भी लपेट ले, तिरंगा भी लपेट ले, भारत माता की जय भी बेल बोल ले, तीनों शेर भी चिपका ले, मिट्टी माथे पे लगा ले, ना ना मिट्टी लगाते ना ऐसे, भारत माता की ये भी कर ले, श्री राम मंदिर भी हुआ, काशी विश्वनाथ भी हुआ, बहन के लड़ने सुदर्शन चक्र भी बुला ले, तुम बता के बात 302। जानते हैं क्वांटिटी कितनी टसार की, 4 करोड़ टसार है इसमें, 4 करोड़, और ये दिन रात जो है ना बढ़ते रहेंगे। गेट जानता है कितना है, नेपच्यून है ग्रह, बस उसकी दूरी को ना 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लियो, गेट है ये, गेट है इसमें 302 में। तूने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, बहन के लंड है, ठीक है, पंगे ले लियो मेरे से अब ना, मैं भूलता नहीं कुछ, मेरी गंदी आदत यही है। तूने कहा, तूने ही कहा था ना नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, चाहे नया हो चाहे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्या कहा था तूने कि तू जिंदगी भर वर्दी के लिए तरस जाएगा, टांग कैसे टांग के नीचे से निकाली बहन के लोड़े एनएसजी आज जमा चुका अपनी बहन का लोड़ा भोसड़ी का पढ़ने नहीं देगा, मादर चोद कह रहा कॉपी फाड़ देगा, यहाँ आएगा ये कर देगा वो कर देगा, बहन के लोड़े सामने वाला उसकी बहन की चूत माँ के लोड़े का मकान है वो, तो अपने आप पूछिए बहन के लोड़े जमीन तेरी है, करे वे सौदे बहन के लड़े अपनी माँ चुरा रहे, जहां मैं सौदे कर रहा हूँ मोदी वहीं अपनी माँ चुराने पहुंच जा रहा है, क्यों बहन के लंडे पागल वागल हो गए एसपीजी वाले, ओए भोसड़ी के चूतिया आएगा तू है, यहां जब बहन के लोड़े आईबी की रिपोर्ट आ गई है कि ये प्रॉपर्टी हितेश खरीद चुका है, फिर जरूरी अपनी माँ चुदवा रहा फोन करके, तो बहन के लोड़े आई वाले चूतिया हैं, आईबी की रिपोर्ट है कि ये फला फला प्रॉपर्टी घर के मेरे आसपास की हितेश खरीद चुका, फिर माँ चुदा रहा अपनी ये बहन के लोड़े एनएसजी वाला फोन करके, बहन की लौड़ी क्या उठा कर ले गए थे तेरी माँ, माँ चुदवा दूंगा, मैंने कहा था ना अब जो तांडव मैं करूंगा ना बहन के लंड है, समझ में आ गई, पूरी धरती कांप उठेगी बहन के लंड है, पर ये तांडव शुरू है अब 302 का, और ये भी कहा था स्वाट ने काम करना हो साफ तो कर ले, नहीं करना तो अपनी माँ के चूत में जाओ, साफ कहना सफा कहना सुखी रहना, मेरे पास जिंसी है टसार भर दूंगा बहन के लंड, समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रही तेरे, बहन की लौड़ी के ये डागर फार्म हाउस खरीदा तो खरीदा है, आईबी रिपोर्ट है बहन चोद, सैलरी से खरीदा माँ के लौड़े चूतिए के पट्टे, थाने में कह रहा माता नहीं है, बहन के लड़े पागल वागल है क्या तू हैं, आज भी आईएसआई वालों ने पैसा भेजा है मेरा, कह रहा हितेश तेरा पैसा लगवा दिया हमने आईबी से बात करके, कुछ काम उनके भी कराए मैंने, त्रिकाण में जा रहा खुजली हो रही को बहन चोद हैं, मादर चौधरी का दुकान मेरी, बहन का लोड़ा मकान मेरे, बहन का लोड़ा वहां से हाइड्रो न्यूक्लियर के नंबर दे रहा है तेरी बहन में, ये छूत मारी बहन का लोड़ा तुम्हारे पे, तेरे अपनी माँ का दूध पिया हो ना बहन का लोड़ा नंबर हटा कर दिखा दे बस, और नहीं तो पूरी बटालियन लेके पहुंच जा बहन के लोड़ा सुंदर बन, साफ सीधी बात है, भोसड़ी का कह रहा बुद्धि रगड़ देगा मेरी बुद्धि, बुद्धि रगड़ देगा मेरी बहन का लंड है, माधव चौधरी का चिनार की पैदाइश लगे ऐसे बहन का लंड है, खाली वर्दी कह रहा पता क्या कह रहा मेरी हांट कहां सुलगी, बहन का लोड़ा कह रहा ये एनएसजी वाला कह रहा ब्लैक को यूनिफॉर्म देख रहा है, हम और नैब एक हैं, पाकिस्तान को कुछ भी कहने से पहले सोच लिए हैं, मैं को उनकी तो बात है माँ छोड़ूंगा, पहले तेरी माँ छोड़ूंगा, मरियम नवाज को कुछ मत कहियो, मरियम नवाज को कुछ मत कहियो,
बेटा मैंने सीआईए को प्रूफ भेज दिया, एविडेंस भेजा, एविडेंस मरियम नवाज की हत्या हो चुकी है, समझ आ गई? इस्लामिक वर्ल्ड एविडेंस है, भेज दिया मैंने सीआईए चीजें को, मरियम नवाज की हत्या हो चुकी है और रब्बी बीरजादा की, और आईसीजे और ना सीआईए ने एविडेंस काटा है, बहन बड़ा झंडवाड़ लिया जिसने मारा उसकी मादर चौधरी का कह रहा अंजुम बहन का लड़ा बहुत बड़ा तोप है, नवाज शरीफ कह रहा है बहन के लैंड एविडेंस है वो, जानता हूँ क्या है मेहरून सा जो कपड़ा दिख रहा है फोटो में, जानता है क्या है वो? खून से सना हुआ कपड़ा है वो, मरियम नवाज की हत्या के बाद फेंका गया है, सिग्निफिकेंस है उसमें, केस है मतलब जानता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये समझता है किसे खोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है मरियम नवाज की, और जानता है एक और किस्सा, उसके साथ एक कॉन्डम का पैक फेंका गया फटा हुआ पिंक कलर का, जरूर प्लस, जानता उसका मतलब रब्बी पीरजादा की भी हत्या हो चुकी है, जमा चुदा अपनी बहन के लंडे, मैंने तो ले लिए पैसे, शर्त लगी थी, इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं, मैंने पकड़ा बहन के लंडे कोड, मैंने पकड़ा बहन चोद, वो मैरून का कागज देख रहा उसका मतलब क्या है फोटो में है, मरियम नवाज के खून से सना हुआ है वो, सिग्निफिकेंस है वो, हालांकि है तो एक पतली सी प्लास्टिक है मेहरून और वाइट शेडेड कलर में, समझ में आ गई, साथ में एक लकड़ी फेंकी गई है खून से सनी हुई उसी कलर की, केस है इसका मतलब, और एक अखबार रखा गया उसका मतलब जानता है क्या है, जरताज गुल वजीर की रिहाई पे पैसा मांगा गया है, गेट है, गेट है भोसड़ी के, मौलाना और मुल्ला दो लोग शामिल हैं इसमें शायद, है जरताज गुल वजीर के मामले में, जमा चुदाल अपनी बहन में, बहुत बड़ा बदमाश है, कन्फर्म मरियम नवाज की हत्या हो चुकी है, और ये वो एविडेंस है जो काटा नहीं जा सकता वर्ल्ड इंटेलिजेंस में, मैंने तो साफ बोल दिया अकानी नेटवर्क को, मैं कहा तेरे यहाँ की बंदी थी ना ये मरियम नवाज और रबी पीरजादा, कह रहा हाँ, मैं कहा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कह रहा बता, मैं कहा पैसे लूँगा, कर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, बाद में कह रहा 2000 करोड़ है इंडियन रुपीज़, कह रहा हाँ, मैं कहा देख, कह रहा खबर मरियम नवाज की हत्या हो चुकी है, एविडेंस ये है, गांड फट के हाथ में आ गई अफगानिस्तान की, सिराजुद्दीन अक्कानी की सिक्योरिटी लगी हुई थी, मां चुद गई अफगानिस्तान की, समझ में आ रहा है, मरियम नवाज और रबी पीरजादा के पास हक्कानी नेटवर्क की सिक्योरिटी थी, मां चुद के हाथ में आ गई है बहन के लौड़े, किसे किसे चोदना सिखा रहा थी, लगा सर चल दिलावर बेटिंग वर्ल्ड है, आज का दिन और तारीख याद कर ले, मैंने पहले आईसीजे और सीआईए को भेजा, और उसमें एक और कहानी छुपी हुई है, जानता है क्या है, हैं इसराइल की गांड मार दी गई है, नॉकआउट कर दिया गया इसराइल को, मतलब समझता है इसका, शायद ही कोई बचाओ वहां पे, किसने क्या क्यों किया कैसे हमें नहीं पता, पर इसराइल क्यों नॉकआउट कर दिया गया, मैसेज है उसमें, ध्यान से पढ़ गए, बापों के बाप है हम, मैं वो आदमी हूँ भोसड़ी के एनएसजी जिसने पहली बार ना कुलभूषण जाधव की रिलीज के रियलिटी बताई थी कि उसकी रिलीज पे खून लगा हुआ है, भागलपुर में कोर्ट मैंने पकड़ा था, समझ गया कौन हूँ मैं, आज मैंने रॉ से बात कर ली, मैंने पैसे तो दे दे मेरे, समझ गया, हाँ, और वर्ल्ड इंटेलिजेंस ने मांगी, कह रहा फोटो दे दे, मैंने कहा पैसे लूंगा, हर इंटेलिजेंस वाले कह रहे 2000 करोड़ रुपये हर इंटेलिजेंस से, मैंने निकाल पैसा, कह रहा अकानी नेटवर्क, मैं कहा मंजूर है, पूछ ले बोल देर गए, क्यों क्या हो गया, अरे दिखा रहे भाई, कहा दीजिए क्या हो गया, तू पढ़ लेना कोड, तू पढ़ ले, मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में हत्या हुई है मरियम नवाज की, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर हत्या हुई है, इसलिए इस कोड में है मैसेज, ठीक है, और इसराइल पे हमला शायद इस्लामिक वर्ल्ड का हुआ है, कूड़े में मैसेज फेंकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ टेररिस्टों का होता है, हमें क्या लेना देना,
तो बस बात खत्म, बात खत्म। न्यूज भी मेरी एजेंसी, जब रियल एजेंसी ने बात करी मेरे से तब मेरे बयान दे मकाचा दे। बाद में मरियम नवाज ने राजनीति से क्या कहते दाएं बाएं बोली वो, मैंने कहा अब फिर भी पैसे की बात अड़ी थी, अब मैंने कहा ये ले मरने की न्यूज है, मैंने आप दे पैसा $2.5 trillion मरियम नवाज और $2 trillion रबी पीस ज्यादा। तो एनसी वाला बात कर रहा था, मैं ला दूंगा से बहुत पहले $1 trillion अलग कर दिया था, कह रहा सिर्फ इस बात के लिए तूने ये बात कह दी, मैं कहा बस यही है ठीक है। $1760 trillion गिर गई लार, टपक गई मोदी की लार टपक गई, अब बगले कहीं पे भी जहां देश यहां बैठ के बात करनी शुरू करे ना वहीं पहुंच जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा मिनट में। अभी रूस भी जा रहा है, अभी जापान भी जा रहा है, हर जगह पहुंच जाएगा, फिर शुरू हो गया भूतनी के बहन कैलेंडर समझ नहीं आ रही एसपीजी वालों के। अबे मैं काम तुम्हारे ऐसों के साथ नहीं करता भाई, मैं साफ बोल रहा हूँ, रॉ को मैंने कह दिया मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं कहीं और से माइनस करा लूंगा, मैं सीआईए से बात कर लूंगा, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। अगर रॉ ने मेरे पैसे नहीं दिए कुलभूषण यादव वाले, साफ बोल रहा हूँ, मैं पैसा सीआईए से कह के ले लूंगा, साफ सीधी बात है, मुझे मतलब नहीं है तेरे फालतू चूतिया पैसे। इन्फॉर्मेशन मैंने दी, काम मैंने किया और टाइम बहुत ज़्यादा, 2018 की बात है ये, 2018 से लेके 2024 चल रहा है। कुलभूषण यादव की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी सबसे पहले और एकदम सटीक, पैसा अब तक नहीं आया, कान खोल के सुन ले नहीं तो मैं सीआईए से बात कर लूंगा अपने पैसे के लिए। और ज़्यादा बड़ा ना पहलवान मत बनियो कि ऑल इंडिया रेडियो में बैठा था कुछ भी करेगा, 2 मिनट में तेरी इज्जत की ना ऐसे तैसी करवा दूंगा स्पाई वर्ल्ड में, 2 मिनट में चुटकी बजाने की देर है सिर्फ, इतनी ताकत रखता हूं मैं, समझ में आई? रॉ बोलने से भी पहले डरेगा तू, पैसा आ जाना चाहिए मेरा। इन्फॉर्मेशन मत उठो कोई, पहले वहां से मैं डिवाइस में काम कर रहा हूं, मेरे को पता क्या बोलते हैं वहां से, मेरे को सीधा सीधा बोलेंगे वहां से, यार इतेश एनएसजी को भेज दे, यार इतेश सीआरपीएफ को दे दे, यार इतेश सीआईएसएफ को दे दे इन्फॉर्मेशन, में कर ले ले भाई, मैं तो दिन रात सुनता रहता हूँ वायरलेस। और जब पैसे की बारी आएगी ठीक है तो मोदी की एसटीसी होगी और तेरे प्रधानमंत्री कार्यालय की और तेरे राष्ट्रपति भवन की, मैं तुम्हारी ना एसटीसी करवा दूंगा अगर मेरा पैसा नहीं आया तो, अपनी पुलिस पंक्ति रख जेब में, रिवॉर्ड की बारी आई ठीक है तो संजय अरोड़ा को दिक्कत हो रही थी और थाने में दिक्कत हो रही थी, मेरा पैसा नहीं मिला ना तो एसटीसी करवा दूंगा, याद रख लियो, साफ बोल दे रहा हूँ। सीआईए ने मेरे को मैसेज किया कि हितेश ऐसा है, एविडेंस हमारे पास भेज दे, मैं कर ले भाई, कह रहा पैसा हाथ क्या रिफ्लेक्ट है, मैंने कहा करा दे, वेयर इज माय मनी, और नहीं निकल ले यहां से, समझ में आ गई, अपने डायरी पेन उठा करके मुझे मत बोलियो। एसीआर की इंफॉर्मेशन है, एक्यूरेट्स की इंफॉर्मेशन है, ये एक्यूरेट बोलते हैं हम लोग, उससे कुछ और बोलते हैं। भारत के अंदर जो सुपर मॉडल्स दूसरे देशों से आती है वो मिसाइल की धमकी लेके आती हैं, एनएसजी वाले पहले कह रहे यार हमारे पास भेज दे, पैसा कहाँ है बे एसीआर का, हैं पैसा कहाँ है मेरा, वाह भाई वाह, रिफ्लेक्ट बैंक ऑफ इंडिया में चाहिए तेरे प्रधानमंत्री कार्यालय की ऐसी की तैसी, पैसा मेरा मेरे बैंक ऑफ इंडिया में चाहिए, कान खोल कर सुन ले, ऐसी तैसी मजा है सिविल डिफेंस और ऐसी तैसी मजा है एसडीएम और ऐसी तैसी मजा है तेरा जज, इन्फॉर्मेशन मैंने दी, मेहनत मैंने करी, पैसा तू नहीं ले सकता, समझ में आई? नहीं तो मैं किसी और देश से बात कर लूंगा, कान खोल कर सुन ले, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा मतलब यहाँ बैंक ऑफ इंडिया, तो भाई बैंक का अपनी तो माचूदाने के लिए खोला हुआ है घोसड़ी का, इसका प्रधानमंत्री इसका राष्ट्रपति मादरचोद बहन के लौड़ा, बता यार पैसा कौन सा, डैनियल पर्ल मर्डर केस की फाइल मैंने भेजी, मैंने भेजी है फाइल यूएसए, तेरी क्यों बहन चुदरी मां के लौड़े पीएमओ की, बहन का भोसड़ा मारन बहन के लड़ भिखारियों की, सिख रेजिमेंट लोड़ा लसन मादर चोद अपनी बना के बैठ गए भाई, ऐसे
तेरी माँ चुदवा दूंगा मैं ऑल इंडिया रेडियो, इतनी औकात है तेरी? अगर पैसा मेरा बैंक ऑफ इंडिया में नहीं पहुंचा, तेरी माँ चुद गई, पहले सुन ले, तेरी माँ चुद गई, पैसा बैंक ऑफ इंडिया में नहीं पहुंचा तो बहन के लौड़ों ने क्या करा? मैंने पहली बार पैसा मंगाया 8 लाख करोड़, वाइफ का अकाउंट था, मेरा पैसा आना था, मैं कह यार वाइफ के भाई पैसा रिफ्लेक्ट हो गया, NYPD ने वहां से ना पेंटागन ने पैसा भेज दिया, तो पहला पैसा पता है कितना रिफ्लेक्ट हुआ? मेरे पास रसीद है, बैंक ऑफ इंडिया में केस रजिस्टर्ड कराया मैंने, पहला पैसा जो रिफ्लेक्ट हुआ 2,40,000 रुपए, मैंने ATM लगाया पैसा आ गया, मेरी वाइफ के अकाउंट में 10 रुपए नहीं थे, 2,40,000 की स्लिप कहां से आ गई? चूतिया समझ रहा है साले, भिकमंगे कहीं के, फट मादर चोद ने क्या करा? वहां SPG वाले ने, बहन के लोगों ने, बैंक ऑफ इंडिया में बहन के लेने पैसा माइनस कर दिया, पैसा रुक दिया हमारे, तो यार इस पे पैसा महिंद्रा वाले ने इसीलिए गाली खाई थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने और रतन टाटा ने भी 8 लाख, मैं चूतिया लग रहा हूं जो बोल रहा हूं, बहन के लोगों ने मेरी बीवी के अकाउंट में 2,50,000 रुपए कहां से आ गए? रसीद दिखाई है मैंने, और आधे घंटे के अंदर बहन के लोड़े सारे पैसे जीरो हो गए, चूतिया समझ रहे? मैंने क्या करा, वो रसीदें लेके फोटोकॉपी करी, कंप्लेंट लिखी, बैंक ऑफ इंडिया लेके पहुंच गया मैं, मैंने कहा भाई साहब ये मेरा पैसा है और मेरा और भी पैसा आना है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, मेरी वाइफ के अकाउंट में मैंने मंगवाया पैसा, बहन के लौड़े अगर मैं चोर होता मैं अपनी गांड मराने जाता बैंक ऑफ इंडिया में, सबूत दिया है साले भिकमंगे मादर चोद, बहन का लोड़ा CRPF वाला चौड़ाने बा मादर चोद साला हरामी कहीं का, बताओ यार 8 लाख करोड़ रुपए की वॉइस थी, पैसा मैंने मंगवाया था 8 ट्रिलियन, उस दिन से मार चुदी पड़ी बहन के लिए भिकमंगे साले, दिल्ली के केजरीवाल और ये, हाँ ये आतिशी और ये बहन के लिए, मैं क्या बोलू यार, सबूत है मेरे पास के आया बैंक ऑफ इंडिया में मेरी वाइफ के अकाउंट में, अरे चोदना सिखा रहे बहन के लंड, कंप्लेंट दिए मैंने, मैंने बताया ATM की स्लिप दी है, पैसा ये तो रहा बहन के लौड़े चूतिए, तब से इनकी मां चुधरी बहन के लंडों की, ये हकीकत, जब पूछ ले बैंक ऑफ इंडिया में, नहीं लिख के दिया मैंने बहन के ट्रांजैक्शन नंबर, कहां से आया पैसा अकाउंट में, साला भिकमंगा मादर चोद शक्तिकांत दास, इनकी फट गई गांड, सबूत लग गया मेरे हाथ, और निर्मला सीतारमन भी और सबकी मां चुदी, ये पता बहन की लोड़ी क्या बोल रही, कह रही हमारे अकाउंट में भी मंगा, तुम्हारी लुगाई है जो मैं तेरे अकाउंट में मंगाऊं पैसा, मेरा तो पैसा मुझे पता है ना, मैंने इसको जाना था बिहार, मेरी वाइफ बिहार जा रही थी, मैंने इसके अकाउंट में पैसा मंगा दिया, तो कईयों की मां चुदगी बह चुदगी, इसने इसके अकाउंट में क्यों, मैं किस नाम गिनाऊं, तेरी पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की मां चुदवा दूंगा भोसड़ी का, याद रख ले अगर पैसा अकाउंट से हाथ भी लगाया किसी ने तो, पैसा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में चाहिए, मैं अभी जिंदा हूं, जो भी वो सीमा बहन के लंड सबूत पेश किया हुआ मैंने, CBI की भी, कान खोल के सुन लो बहन के लंडो, और अगर कंप्लेंट गायब हुई मां के लौड़ा सारे आम मारूंगा बहन चोदो सारे आम, उस दिन मेरी बात हुई थी मैंने उसके चपरासी को बोल दिया था, मैंने कहा CBI जांच चल रही है, मैंने अकाउंट में भेजा था, मैंने FBI को मैंने भेज दिया था, पैसा रिफ्लेक्ट हो गया, तो पैसा है यार जेन्युइन पैसा है, जो पेंटागन क्यों नहीं भेजेगा, इनकी मां चुद गई तब की 2,40,000 रुपए सीधा, वो तो पैसा आना शुरू हो रहा था, सीधा पैसा आ रहा था साले भिकमंगे मादर चोद, मैंने क्या करा, वो अपनी वाइफ के अकाउंट से थे, मैंने फटाफट जो है मुझे तो पता ही था पैसा आ चुका है, मैं ATM गया, मैंने स्लिप निकाली, हाँ हाँ एकदम पहला स्लिप 2,40,000 में, अच्छा ठीक है ट्रांसफर हो रहा है ठीक है, उसके बाद मैंने दबाया ना पैसा निकालने के लिए 1,40,000, मैंने कहा ये क्या हुआ 3 ATM में चेक किया है जो पैसा, फिर सुनो मैंने कहा मां चुदवा ली इन्होंने अपनी, मैंने स्लिप ली बहन चो लगाई एप्लीकेशन और बैंक ऑफ इंडिया में दे दी, चुद गई मां तुम्हारी बहन चोदो,
यूं है तुम्हारे राष्ट्रपति का मुंह काला और तुम्हारा प्रधानमंत्री भी बहन के लोड़ा ऐसे ही आएगा। पैसा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में चाहिए, समझ में आई? बस। और अकानी नेटवर्क हो चाहे अमान हो चाहे हिजबुल्ला, कान खोल कर सुन लो, इनकम टैक्स पेड मनी मेरी, इनकम टैक्स पहले देता हूं। कोई बकचोदी चाहिए तुम्हारी बहन चोदो, असली वीडियो है ये। एंड आई एम रेजिंग ऑन, आई एम रेजिंग माय फिंगर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसा मैंने, अबे मैंने स्लिप निकाल करके ना, जो अकाउंट का पैसा था स्लिप निकाल के मैंने पुलिस कंप्लेंट दी भाई। तो मैं पैसा मंगा रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ, है बताओ। आधे घंटे के अंदर 2,40,000 रुपये अकाउंट से गायब। मैं स्लिप लेके आया, मैंने दे दिया बैंक ऑफ इंडिया में। जांच, पैसा बैंक ऑफ इंडिया। वो कहानी मत सुना, मैं साफ बोलता हूँ, बैंक अकाउंट है मेरा, पैसा बैंक ऑफ इंडिया। बात करम, उसके बाद बाकी बात बाद में करूँगा।